अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। प्राकृतिक आपदा से प्रारंभ होकर बाढ़ एक राष्ट्रीय आपदा बन जाती है, जिसका लोगों के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देश के विषय में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, समय सीमित है, इसलिए मैं सीधे सीधे अपने लोकसभा क्षेत्र के विषय में आपसे के माध्यम से मंत्री जी से डिमांड करूंगा। मेरा लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में नेपाल के किनारे स्थित है, लखीमपुर खीरी, जिसमें 7 नदियां हैं, 7 बड़ी नदियां हैं, जिसमें 5 नेपाल से आती हैं और 2 नदियां गोमती और सरयू हमारे देश की नदियां हैं, और इनके कारण हमारे ज़िले का जो जल स्तर है वो 20 से 25 फुट पर ही है। पूरा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न है, जंगल से घिरा हुआ और कृषि के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र था, लेकिन बाढ़ के लगातार आने की वजह से हमारे यहाँ की कृषि को ठीक से जैसा एक वो मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। मैंने सोचा कि इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए, तो बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए एक तरफ तो हमने नेपाल में एक प्रतिनिधि मंडल ले जा करके वहाँ पर बात की, जिसका प्रभाव ये हुआ कि नेपाल से आने वाली मुहाना, कौड़ियाला, सरयू और कर्णाली और शारदा, इन नदियों का पानी सीमित रूप से छोड़ा जाने लगा, जिसके कारण बाढ़ से हम लोगों को कुछ वहाँ पर राहत मिली। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई, शारदा नदी सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित करती है। वहाँ पर जब मैंने जानकारी की तो ये पता चला 45 वर्ष पूर्व लखीमपुर में कोई बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन 45 वर्ष पहले एक बांध वहाँ पर बनाया गया शारदा नदी पर, शारदा डैम करके, और उससे शारदा नहर निकाली गई, जिसका पानी रायबरेली भेजा गया। हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्र में उस बांध और उस नहर का एक बूंद पानी भी प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र में बाढ़ आने का एक बड़ा कारण बना, जिससे हजारों एकड़ ज़मीन प्रभावित हुई, और हजारों एकड़ ज़मीन जहां सीपेज में आई वहीं हमारा ज़िला लगातार बाढ़ से प्रभावित होने लगा, और उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि लगातार किसानों की आय भी घटी, और भौगोलिक परीक्षण जो हमने कराया उसमें ये बात समझ में आई कि जो शारदा नगर पर बांध बना है उसके कारण शारदा नदी के प्रवाह की जो गति थी वो आधी हो गई, और आधी होने के कारण पानी ज़मीन के अंदर जाने लगा, जिसकी वजह से कटान भी प्रारंभ हो गया। तो बाढ़ और कटान आने का सबसे बड़ा कारण शारदा नदी पर बनाया हुआ वो बांध था, और जिसकी वजह से, जिसका हमारे ज़िले में कोई लाभ नहीं था, लेकिन ये किया गया जिसकी वजह से हमारे यहाँ बाढ़ आई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ के स्थायी समाधान, बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं, इनको करने की वो कृपा करें। नंबर एक, शारदा नदी पर स्थित पंचेश्वर प्रोजेक्ट का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए, इसके लिए समझौता नेपाल सरकार से हो गया है और नेपाल में ही ये बांध बनना है, इसको अति शीघ्र पूरा कराया जाए। दूसरा, शारदा बांध जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया उसमें चैनल डाल करके पानी की गति को दोगुना कर दिया जाए, जिससे हमारे यहाँ का कटान समाप्त हो जाएगा और बाढ़ से भी हमको मुक्ति मिलेगी। और तीसरा, जो प्रस्तावित है शारदा नदी से यमुना नदी को जोड़ने का, उस पर भी अति शीघ्र निर्णय लेकर के उसको जोड़ा जाए। चौथा, नेपाली नदियों में मुहाना, कर्णाली व कौड़ियाला से जो पानी आता है उसको हमने सीमित कर दिया है, लेकिन उसके लिए एक स्थायी समझौता नेपाल सरकार से अगर कर लेंगे तो हम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सरयू, गोमती व सुहेली नदी में सिल्ट है, उसको साफ करा दिया जाए, और कटान से हमारे यहाँ जो प्रभावित हुए हैं लोग, कई गांवों में कटान के कारण लोग सड़क पर रहने को इस समय विवश हैं और उनके खेत भी कट गए हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिनिस्टर किरण जी।